गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का और सुबह से गुड़गांव में बहुत बारिश हुई है और मौसम आज का बहुत ही ठंडा है और अच्छा है। रोज गर्मी, इतनी गर्मियां पड़ रही थी उस वजह से खाने में कुछ भी इतना अच्छा, मतलब सादा सिंपल खाना हम लोग खा रहे थे, नहीं खा रहे थे मसाले वाला खाना। तो आज मैंने सोचा है बच्चों की डिमांड पर कुछ तला हुआ बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी, और वो किस स्टाइल से, हम यूपी स्टाइल से बनाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। आलू की कचौड़ी और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपने अपनी अलग अलग वैरायटी खाते हैं। कोई दही से पसंद करता है, कोई चटनी से, कोई सॉस से, बच्चे तो अपना हिसाब से खाते हैं। और हम लोगों को क्या है, हमें तो चटनी के साथ बहुत पसंद है और रायता होना चाहिए। तो अभी देखिए हम क्या क्या बनाते हैं। तो वो रेसिपी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई रेसिपी वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, और बाहर घूम रहे थे, इधर सब लोग आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था सारा कुछ। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी आज की रेसिपी, जो मैं खुद अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी, और आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे आज आलू की कचौड़ी के साथ। तो अभी मौसम कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा। देखा गाइस आपने, मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज यहाँ का, और बारिश भी बहुत हुई है, तो ठंडा भी है मौसम, तो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और खाने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बहुत आराम से और अच्छे से खाएंगे। तो चलिए आज बनाते हैं आलू की कचौड़ी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप मत करिएगा बिल्कुल, एक एक रेसिपी देखिएगा। जिस तरीके से हम बनाते हैं ये आलू की कचौड़ी, वो आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, क्या क्या हम मसाले यूज़ करते हैं, तो आप सबको घर में बहुत पसंद आएंगी। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मैं बनाऊँगी, किचन में सबसे पहले मैं लगाऊँगी आटा। तो कचौड़ी के लिए मैं आटा कैसे लगाऊँगी वो आप देखिएगा कैसे मैं लगाऊँगी। तो गाइस ये मैंने ले लिया है 2 कटोरी आटा, और इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी नमक और अजवाइन। तो गाइस नमक और अजवाइन मिलाने के बाद मैंने इसमें मिलाया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिससे हमारा आटा को अच्छे से, पहले हम आटे को इसमें मिला लेंगे ऑयल से, और ये देखिए इसमें जब इस तरीके से मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाइए कि हमारा आटा तैयार है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को, आटे को अच्छे से मलना है, अच्छे से मारना है उसको, एकदम मुलायम आटा, मतलब एकदम नरम सा आटा लगाना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से गूंथे आटे को, और अच्छे से देखिए मुलायम आटा एकदम से गूंथ गया है, और इसको हम अलग ढककर साइड रख देंगे। और मैंने ये मसाले लिए हैं जिसमें खड़ा धनिया, जीरा और सौंफ है और हींग है, इसको हम रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई पर, तो हल्का सा भूंज लेंगे, और हल्के से भूंजने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड दरदरा सा पीस लेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इस पर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, फिर मैंने जो मसाले भूंजे थे और उसे मिक्सी में दरदरा पीस के थोड़ा सा ऑयल में मैंने ये मसाले भी डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से हमारी जो स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो हमारा आलू कभी कभी होता है ना कि वो गीला हो जाता है और कचौड़ी फूटने लगती है, उससे ये परेशानी नहीं होगी, आपका जो भी फीलिंग होगी वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, उसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। तो हमें 2 चम्मच बेसन को ऑयल में इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा भूंज लेना है, ज़्यादा देर नहीं भूंजना है, जब तक आपको स्मेल ना आने लगे जब तक आपको भूंजना है। भूंजने के बाद मैंने इसमें मिला दिए हैं आलू, उसको अच्छे से भरता बना लिया है, भरता करने के बाद मैंने इनको अच्छे से कढ़ाई में भूंज लिया है, मिक्स कर लिया है बेसन के साथ। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले, तो इससे हमारा जो फीलिंग है वो बहुत टेस्टी बनती है और इसका स्वाद ही अलग रहता है, जैसे बाजार का टेस्ट होता है कचौड़ियों का, सेम वैसा ही टेस्ट आता है। मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च महीन काट के, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया, और मैंने मिलाया है इसमें काला नमक। तो काला नमक ज़रूर मिलाइएगा,
काला नमक मिलाने से इसकी जो फिलिंग के अंदर टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर काला नमक मिलाइएगा। फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सफ़ेद नमक, अच्छे से भूंज लेंगे हम। फिर मैंने इसमें मिक्स करी है धनिया, और धनिया डालने को भी हम अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा भूंजते हुए निकाल लेंगे अलग बर्तन में। और ये मैंने ठंडा करने के लिए अलग बर्तन में इसको निकाल लिया है। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ में। मैंने इस तरीके से गोलियां बना के रख ली हैं ताकि जो भी हमारी फिलिंग हमें करनी होगी तो हम फटाक फटाक से लगा के और रख लेंगे। इस तरीके से मैंने आटे की भी गोलियां बना ली हैं। आटा भी देखिए हमारा कितना नरम है, और इसको इस तरीके से हम देखिए जिस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ, मैं इसको बेलूंगी नहीं, मैं इसको सिर्फ अपने हाथों से ही पै के बनाऊंगी। तो आप देखिए कि मैंने बेलन का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, बिना बेले ही मैंने इसको बनाई है। और इस तरीके से आपकी कचौड़ियाँ ना तो फटेंगी और ना ही फिलिंग बाहर निकलेगी, और बहुत कम आटा देखिए मैंने किस तरीके से, और फूलेंगे भी बहुत अच्छी है अच्छे से, और एकदम करारी करारी बनेंगे। और मैंने देखिए इनको हाथ से पै के बनाई हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इस तरीके से करने से हमारी कचौड़ी अच्छे से फूलती है, किनारे किनारे से भी और बीच से भी। तो मैंने देखी ज़्यादा ऑयल गरम नहीं किया है, ऑयल को ज़्यादा गरम करना भी नहीं है, हमें धीमी आंच में ही कचौड़ियों को सेकना है। और कम गरम ऑयल में जब हम सेकेंगे तो ये एकदम अंदर तक सिकेंगी और बहुत करारी सिकेंगी। तो आप कभी भी सफ़र में भी इनको ले जा सकते हैं, और चम्मच से इस तरीके से मैंने गरम ऑयल इन कचौड़ियों के ऊपर डालते जाएंगे ना आप, तो कचौड़ियाँ अपने ऑटोमेटिक अपने आप फूलती जाएंगी। तो ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ बन के तैयार है, मैंने कितनी अच्छी क्रिस्पीनेस वाली कचौड़ियाँ बनाई हैं। और ये एंजल की प्लेट भी तैयार है, एंजल खाने को भी तैयार है। चलिए एंजल से ही पूछते हैं कैसी बनी है कचौड़ी। क्यों एंजल, कैसी बनी भाई कचौड़ी बताइए आज जरा। क्रिस्पी है, दिखाओ जरा सबको भाई, तोड़ के दिखाओ कैसी है, क्रिस्पी है। आप भी क्रिस्प खाइए, आप वाली में मिर्च नहीं पड़ी है। कैसी बनी है एंजल, एंजल क्रिशु के लिए तोड़ देना है, वो फिर अपने हाथ से खा लेगा। चलो तुम लोग एंजॉय करो अपना डिनर, ओके एंजॉय योर डिनर। तो गाइस मैंने बनाई है जो आज आलू की कचौड़ी, और जिस रेसिपी से मैंने बनाई है आप भी उस रेसिपी बनाइए। आपको बिना बेलन के भी आप इन्हें हाथों से आप इनको ऐसे ही पै के डाल सकते हैं तेल पे, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मुझे देखिए वो कितना पसीना हो रहा है, और धीमी आंच में आपको इनको सेकनी है। तो ये करारी करारी एकदम बढ़िया अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगी और बहुत ही टेस्टी है। आप इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं कहीं पे। और तो मैंने जैसे आज बूंदी के रायते के साथ और धनिया और मिंट और टमाटर की चटनी के साथ मैंने इसको बनाया है, तो आप दोनों तरीके से इसको खा सकते हैं, क्योंकि मुझे स्पेशली चटनी के साथ अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने चटनी बनाई और इन्हें रायते के साथ अच्छी लगती है तो मैंने इस वजह से रायता बनाया। तो दोनों मिक्स करके खाइए। और अगर आप कुछ सब्जियां, वैसे इसमें इतने मसाले हो तो आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हैं और बहुत ही सफ़र में भी ले जा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में, और स्पेशली बच्चों के लिए तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा जिस तरीके से मैंने बनाई है और जो मसाले मैंने यूज़ करे हैं, तो बिल्कुल बाहर खस्ता, जैसे बाहर हलवाई की खस्ता कचौरी बनती है, सेम वैसी ही कचौरियाँ बनेंगी है आज। तो भाई कचौड़ी खा के मज़ा आ गया, कचौड़ी तो इतनी बढ़िया बनी थी कि अगर कचौड़ी की दुकान खोल दी जाए तो लोग दिल्ली से गुड़गांव कचौड़ी खाने आएंगे, इतनी बढ़िया बनी थी कचौड़ी। ओम स्वीट भी फेल है, जो फेमस शॉप है वो भी फेल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जो कचौड़ी रेसिपी, जरूर ट्राई करिएगा और जैसे मैंने बताई वैसे ट्राई करिएगा, तो कचौड़ी का टेस्ट और जो बाहर वाला टेस्ट आता है कचौड़ी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। घर का टेस्ट आया बहुत ही बढ़िया, दुकान की कचौड़ी हलवाई की कचौड़ी फेल है। अच्छा
हलवाई को पीछे कर दिया है, हलवाई को पीछे कर दिया है आज। तो प्लीज गाइस, आज का हम ब्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।